तो चलिए जानते हैं आज के दिन इतिहास में, यानी कि 14 अप्रैल क्या क्या है खास। तो सबसे पहले आज इतिहास के पन्नों में बात की जाएगी फ्रांस की। आपको बता दें दोस्तों, 1434 ईस्वी में फ्रांस के विश्व विख्यात सेंट पीटर कैथेड्रल की आधारशिला रखी गई। और इसी के साथ 1809 में नेपोलियन ने बावरिया की लड़ाई में ऑस्ट्रिया को शिकस्त दी। साथ ही इतिहास के पन्नों में बात की जाए आगे भी नेपोलियन की, तो आपको बताएं 1814 में नेपोलियन को राजगद्दी से हटाया गया। और 1912 में हुई एक दुखद घटना, आपको बताएं 103 साल पहले शान और शौकत से भरपूर टाइटैनिक जहाज समुद्र में सफर करते समय हिमखंड से टकरा गया था। टाइटैनिक को इस तरह से तैयार किया गया था कि वो कभी डूबे नहीं, लेकिन एक हिमखंड से टकरा कर वो डूब गया। और 1944 में बम्बई बंदरगाह पर हुए भयंकर विस्फोट में लगभग 300 लोग मारे गए और 2 करोड़ पाउंड की क्षति हुई। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हुआ एक महान राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक का जन्म, यानी कि 1891 में समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो आगे इतिहास के पन्नों में बात की जाए अपोलो 13 की, तो आपको बता दें 1970 में अंतरिक्ष यान अपोलो 13 में हुए धमाके से 3 अंतरिक्ष यात्रियों की जान पर खतरा मंडराने लगा। उड़ान के 56 घंटे बाद हुए इस धमाके से यान की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। हालांकि 17 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 सफलतापूर्वक धरती पर वापस लौटा। तो ये थी इतिहास के पन्नों में आज की कुछ खास बातें। तो कल फिर लौटेंगे इन्हीं खास बातों के साथ, तब तक सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज़।